मानव जब जोर लगाता है तब पत्थर भी पानी बन जाता है। ऑपरेशन टनल की सफलता का सबसे महत्वपूर्ण मंत्र मानव का ना हारने वाला जज्बा ही था। दीपावली के दिन जहां देश में करोड़ों लोगों के घर रोशनी से जगमगा रहे थे, तो अचानक 41 परिवारों के जीवन में अंधेरा छा गया था। 17 दिनों में ना तो सिलक्यारा की सुरंग में फंसे 41 मजदूरों ने धैर्य का दामन छोड़ा और न ही उन्हें बाहर निकालने वाले अधिकारियों और स्टाफ ने हार मानी। इस ऑपरेशन में कई बार हताशा निराशा ने आकर घेरा, इसके बावजूद टनल के स्याह अंधेरे में फंसे 41 मजदूरों ने उम्मीद का दिया जलाए रखा। ये दिया ही अब इन 41 मजदूरों के लिए सूरज की रोशनी लेकर आया है। 12 नवंबर की सुबह करीब 5:30 बजे जिस वक्त सुरंग में हादसा हुआ, तो मजदूरों की आवाज सुनने का एकमात्र जरिया 4 इंच का एक पाइप ही था। जब इस पाइप के जरिए फंसे हुए लोगों से बात हुई तो पता चला कि उन्हें भूख लगने लगी है, लेकिन कोई ऐसा उपाय नहीं था जिससे उन्हें खाना पानी भेजा जा सके। 20 नवंबर तक उन्हें केवल जरूरी दवाएं, चने और ड्राई फ्रूट ही इस 4 इंच के पाइप से प्रेशर के माध्यम से भेजे जाते रहे। सभी फंसे लोग किसी तरह से उन पलों का इंतजार करते रहे जब वो सूरज की रोशनी का दर्शन करें। कई मजदूरों को थोड़ी बहुत शिकायत भी हुई, इसके बावजूद उन्होंने पहाड़ से मुश्किलों के सामने हौसला नहीं हारा। 20 नवंबर को जैसे ही 6 इंच के पाइप को भीतर तक पहुंचाने में कामयाबी मिली तो मजदूरों को भी कुछ राहत मिलनी शुरू हो गई। उन्हें खिचड़ी, केले, संतरे, दाल, चावल, रोटी के अलावा ब्रश, टूथपेस्ट, दवाएं, जरूरी कपड़े भेजे गए। फंसे हुए श्रमिकों को बाहर निकालने के लिए जिस ऑगर मशीन से शुरुआत की गई, आखिर में उसी राह से उन्हें बाहर निकाला गया। पूरे ऑपरेशन में ऑगर मशीन कई बार रुकी, सुरंग में उलझ गए मशीन के कई पार्ट काट कर निकालने पड़े, लेकिन विशेषज्ञ डटे रहे। जब ऑगर ने पूरी तरह से काम करना बंद कर दिया तो रेड माइनस ने जिम्मेदारी संभाल ली। उन्होंने उसी पाइप में दिन रात मैनुअल ड्रिलिंग कर 41 परिवारों के घरों में उजियारा फैला दिया। अब सुरक्षित निकाले गए श्रमिकों को उत्तराखंड सरकार की तरफ से 1-1 लाख रुपए की मदद दी जाएगी, साथ ही उन्हें 1 महीने का पेड लीव भी दिया जाएगा। इस मिशन के सफल होने पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुख्यमंत्री पुष्कर सिंह धामी को बधाई दी है। पूरा देश इस मिशन के सफल होने से खुश है। बीते 17 दिन चले सिलक्यारा टनल रेस्क्यू को आखिरकार पूरा कर दिया गया है। बीती रात को करीब 10 बजे यह रेस्क्यू पूरा हुआ। जो 41 मजदूर थे उन्हें चिन्यालीसौड़ जो बेस कैंप है वहां लाया गया, जहां पे उनके लिए स्पेशल वार्ड जो बनाया गया था जिसमें 41 बेड लगाए गए थे, वहां उनका रात भर जो है स्वास्थ्य प्रशिक्षण हुआ है। और आज तैयारियां हैं जो हम अब मेरे पीछे देख सकते हैं कि चिनूक जो हेलीकॉप्टर है एयरफोर्स का, वो भी यहां पर मौजूद है और अलर्ट मोड पर है कि अगर किसी को एयरलिफ्ट करना हो या उनको घर वापसी के लिए भी शायद तैयारियां चल रही है। इसके अलावा जो एम्बुलेंसें हैं वो भी रात से यहीं पर है और ये भी हवाई पट्टी के पास ही खड़ी करवाई गई हैं कि किसी तरीके से कोई अगर एम्बुलेंस के जरिए अगर किसी को हायर सेंटर रेफर करना हो तो वो भी सभी अलर्ट मोड पर इनको रखा गया है। तो मैं आपको बता दूं कि आज कुछ ही देर में पुष्कर धामी मजदूरों से मिलेंगे और राहत राशि के चेक वितरण का कार्यक्रम भी संभावित है। आशीष मिश्रा, पंजाब केसरी टीवी, उत्तरकाशी। हमसे जुड़े रहने के लिए हमारे YouTube चैनल को सब्सक्राइब करें और नई वीडियो की नोटिफिकेशन के लिए बेल आइकॉन को दबाएं।